बस्सी जनपद में लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों को 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से लूट के रुपए भी बरामद हो गए हैं। 10,000 लूट के मामले में सिपाही इंद्रेश यादव को SP की तरफ से 15,000 की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। पूरा मामला हररिया थाना क्षेत्र के भदावल पेट्रोल पंप के पास नेशनल हाईवे 28 पर बने स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र का है, जहां संचालक संदीप से अजय नाम के लुटेरे ने आंख में मिर्ची स्प्रे डालकर बैग में रखा 10,000 रुपए छीन कर फरार हो गया। इस मामले में संदीप ने हररिया थाने में FIR दर्ज कराई, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए SO शैलेश सिंह की टीम सक्रिय हुई और लुटेरे को 4 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। CSC संचालक संदीप ने बताया कि उनके पास अजय नाम का एक युवक आया और कहा कि माँ के खाते से पैसे निकालने हैं, तो उन्होंने कहा कि अपनी माँ को लेकर आइए, निकल जाएगा। कुछ देर तक अजय वहीं पर खड़े होकर इंतजार करता रहा। जब वह सेंटर बंद करने लगे तो अजय उनके पास आया और आंख में मिर्ची वाला स्प्रे डालकर बैग में रखे रुपए की गड्डी निकालकर फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्यवाही की और आरोपी अजय को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल। निकाल देंगे आप उसके खाते से। उनका कि बुलाइए माता जी को, काम आपका हो जाएगा, कर दिया जाएगा। तो कहा कि नहीं, मुझे आवश्यकता 50,000 की। हम कहा ठीक है, बुलाइए और जो हो पाएगा हम कर देंगे उनका निकासी। तो फिर काफ़ी देर तक रुका रहा, फिर हमने उससे कहा कि भाई अब 4 बजे हम आज आपकी आएंगे नहीं, चलिए नीचे उतरिए और जो है जब आ जाएंगे तो आइएगा। तो इधर उधर वो टहलता रहा। फिर जब 6 बजे वो जो है मेरे जाने का टाइम हुआ, मैं पैसा ही बैग में ही रख रहा था, तब तक वो एक स्प्रे नुमा मिर्ची नुमा स्प्रे लेके आया और मेरी आँख पे स्प्रे कर दिया। क्योंकि बैग मैं काउंटर पे रख के बंद कर रहा था तो बैग में वो हाथ डाला और उसमें से जो है कुछ पैसा 10,000 रुपया लेके भागा वो। और जब थोड़ी देर बाद मुझे आँख सही हुई, उसके बाद मैं आया थाने पर तहरीर दिया। फिर बैग मैंने चेक किया, मिलान किया, क्योंकि टोटल मेरे पास 22,000 कैसी थे। जो 100 वाली गड्डी थी उसमें जो है 12,000 रुपये थे और मैंने 500 वाली अलग कर रखी थी, तो वो जो 500 वाली थी वो लेके भाग गया था। फिर ये सूचना आके मैंने सर को दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और जो है पैसा मेरा 10,000 गायब हो गया है। फिर सर ने जो है अपनी पूरी टीम बुलाई और इकट्ठा किया और उसको बरामद किया, पैसे भी बरामद किए। इसके लिए मैं SHO सर और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो है बधाई देता हूँ कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए। एक संदीप कुमार, जिनकी भदावल स्टेट बैंक के सामने उनका ग्राहक सेवा केंद्र है, उनकी दुकान पर ग्राहक सेवा केंद्र पर एक व्यक्ति आया जो कि अपनी माँ के लिए पैसे ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा था और बातचीत करके चला गया। कुछ देर बाद फिर वो आया और उनकी दुकान से उनके चेहरे पर एक मिर्ची चिली स्प्रे आता है उसको छिड़काव करके स्प्रे करके और उनके पास जो बैग था उसमें से कुछ पैसे छीन कर लेकर भाग गया था। आसपास के लोगों ने इसको दौड़ाया भी था लेकिन उसके पकड़ने में कामयाब नहीं हुए, भाग गया था वो। जिसके संबंध में थाना हरैया पर 356 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और हमारी टीम जो है SHO शैलेश सिंह के नेतृत्व में काम कर रही थी। बीती रात लगभग 22:40 बजे केसवापुर के पास से जो इसका मुख्य आरोपी था अजय कुमार पुत्र साहबद्दीन निवासी बाछनपुर, लगभग उम्र उसकी 22 साल है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से 10,000 रुपये और एक ओप्पो का स्मार्टफोन और HDFC की एक पासबुक बरामद हुई है। अभी प्रथम दृष्टया आप ये जानकारी मिली है कि ये महाराष्ट्र में रहता था, वहाँ पर भी इस तरह के इस अपराध करता था और इसमें और आगे हम लोग इसमें और छानबीन कर रहे हैं और इसका आपराधिक इतिहास पता लगाते हैं कि क्या इसने कोई और घटना कारित की है। इस प्रकार ये बहुत अच्छा खुलासा हुआ है और इस खुलासे में जो हमारा हरैया का हेड कांस्टेबल इंद्रेश यादव था, इनकी भूमिका बहुत सराहनीय थी और इनको SP सर की तरफ से 15,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी स्वीकृत किया गया है। बहुत अच्छा गुड वर्क है।